हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आज हम फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज, इसी को पहले हम समझ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडियंस के लिए रुपीज़ को छोड़कर जितनी भी करेंसीज हैं वो सारी क्या हैं? फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? एक कंट्री के लिए उसकी डोमेस्टिक करेंसी, मतलब उसके करेंसी को छोड़कर जितनी भी करेंसीज हैं वो सारी क्या होंगी? फॉरेन एक्सचेंज। अब हम आ जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट पर। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर द अदर। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक ऐसा रेट जिससे एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है। एक करेंसी के एक्सचेंज में या एक करेंसी के बदले में हमें दूसरी करेंसी के लिए जो रेट होता है, दूसरी करेंसी को चेंज करने के लिए जो भी रेट है उसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक ऐसा रेट जिससे एक कंट्री की करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता है। क्लियर? तो फॉरेन एक्सचेंज था कि डोमेस्टिक करेंसी को हटा दो, बाकी जितनी भी करेंसीज हैं वो क्या है? हमारी फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? ऐसा रेट जिसे एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता है, तो उस रेट को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं, हमारा हम राउंड फिगर में लेते हैं कि $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। तो डॉलर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? रुपीस में। तो ये क्या है? रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक रेट है ना कि $1 में 60 रुपीस होंगे, तो ये क्या है? रेट। तो ऐसा रेट जिसे एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है वो हो गया हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर? नाउ करेंसी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉलिंग डाउन द वैल्यू, वैल्यू का कम होना। तो करेंसी यानी करेंसी की वैल्यू जब डाउन हो जाती है, तो डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग कम हो जाए, मतलब डोमेस्टिक करेंसी, हम इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया का, कि रुपीस की वैल्यू जब डॉलर के अकॉर्डिंग कम हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? करेंसी डेप्रिसिएशन। तो अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि $1 में हमारे 60 रुपीज़ हैं, अब $1 में 62 रुपीज़ हो जाएं, तो ये क्या होगा? करेंसी डेप्रिसिएशन। अभी आपको लग रहा होगा कि तो इंक्रीज़ कर दिया, तो डेप्रिसिएशन कैसे हुआ? ये देखिए, हमें पहले $1 के लिए कितने रुपए की ज़रूरत पड़ती थी? 60 रुपीज़ की। कि अगर हमें $1 परचेस करना है तो हमें केवल 60 रुपये चाहिए। अब क्या हो गया? $1 परचेस करने के लिए हमारे पास कितने रुपये होने चाहिए? 62 रुपीज़। तो यहाँ 2 रुपये की वैल्यू, 2 रुपए से रुपीज़ की रुपीज़ हमें ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, 2 रुपए हमें ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं $1 के लिए। तो ये क्या हुआ? करेंसी डेप्रिसिएशन। जहाँ पहले 60 रुपए में $1 मिल जाता था, अब 62 रुपीज़ में $1 मिल रहा है। तो दिस इज करेंसी डेप्रिसिएशन। तो हम ये क्या हो गया? डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो गई। पहले 60 रुपीज़ थी वैल्यू, 60 रुपीज़ में $1 आता था, अब 62 रुपीज़ में $1 आ रहा है। तो रुपीज़ की वैल्यू क्या हो गई? डाउन हो गई। तो दिस इज करेंसी डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो अब ये देखिए कि सपोज हमें बाहर से कुछ डॉलर्स में कुछ परचेस करना था, ठीक है? पहले हमें परचेस करने के लिए 60 रुपीज़ देने थे, अब हमें क्या करना है? 62 रुपीज़ देने हैं। तो ऐसी कंडीशन में परचेजिंग ज़्यादा बेटर होती है या सेलिंग, मतलब खरीदना ज़्यादा फायदे का होगा या बेचने में ज़्यादा फायदा होगा? खुद सोचिए कि पहले आप 60 रुपये में कोई चीज़ ले रहे थे, आप 62 रुपये में कोई चीज़ ले रहे हो, तो उस चीज़ को खरीदने में ज़्यादा फायदा है या बेचने में?
मतलब 60 रुपये से अगर 62 रुपये में खरीदोगे तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, या 60 से अगर 62 में बेच रहे हो तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है? तो किस में फ़ायदा है, सेलिंग में या परचेजिंग में? ऑब्वियसली सेलिंग में, हम सेल ज़्यादा करेंगे अगर ऐसी कंडीशन है तो। तो इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, इससे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। या हम अमेरिका के बंदे हैं, ठीक है, अमेरिका में रहते हैं, पहले हम क्या करते थे, 60 रुपये में हम कोई चीज़ खरीदते थे, हम $1 अगर हम देते थे तो हमें बदले में 60 रुपये मिलते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, $1 में हमें 62 रुपीज़ मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। जहाँ $1 में हम 60 रुपये का सामान खरीद पा रहे थे, वहीं $1 में अब हमें कितने का सामान मिल रहा है, 62 रुपीज़ का, तो सामान खरीदने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो अमेरिका के लोग क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, और इंडियंस क्या करेंगे, 60 से 62 उनका तो नुकसान है खरीदने में, तो वो क्या करेंगे, बेचेंगे। तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिक कंट्री पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वहाँ एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। तो अगर डोमेस्टिक करेंसी हमारी डेप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू अगर डाउन हो जाती है, तो क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी पे, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, हम ज़्यादा बेचना शुरू कर देंगे, ठीक है। और सामने वाले बंदे को क्या हो रहा है, उसे फ़ायदा हो रहा है, 60 की जगह 62 का सामान मिल रहा है उसे, तो वो ज़्यादा खरीदेगा और हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है, जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं करेंसी एप्रिशिएशन। करेंसी एप्रिशिएशन में क्या होता है, एप्रिशिएशन मतलब वैल्यू बढ़ना, जब करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, करेंसी एप्रिशिएशन। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग या उसके टर्म्स में इंक्रीज हो जाएगी, जब हमारी वैल्यू, हमारी करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग हो जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे, करेंसी एप्रिशिएशन। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, पहले $1 में कितने रुपए देने पड़ते थे हमें, 60 रुपए, 60 रुपए हम देंगे तब हमें $1 मिलेगा, अब क्या हो गया, $1 में 59 रुपीज़ देने पड़ रहा है, तो हमें क्या हुआ, 1 रुपए का फ़ायदा हुआ यहाँ पे। जहाँ पहले $1 के लिए हमें 60 रुपए देने पड़ते थे, अब $1 के लिए हमें 59 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या हुआ, रुपीज़ की वैल्यू स्ट्रांग हो गई। तो इसे बोलते हैं हम करेंसी एप्रिशिएशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमें 60 रुपये में $1 मिलता था, अब 59 में $1 मिल रहा है, मतलब डॉलर क्या हुआ, डॉलर सस्ता हो गया, डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग हो गई, तो हमारे यहाँ की करेंसी। तो इस कंडीशन में हम क्या करना ज़्यादा पसंद करेंगे, परचेस करना या सेल करना, बताइए कि $1 में, 60 रुपये में $1 आया था, 59 में $1 आ रहा है, तो खरीदोगे ज़्यादा या बेचोगे ज़्यादा, 60 रुपये में $1 बेचोगे या 59 में $1 खरीदोगे, खरीदेंगे, इंपोर्ट में फ़ायदा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा इंपोर्ट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब हमें क्या है, डॉलर सस्ता मिल रहा है, तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो जब भी करेंसी अप्रिशिएट होती है, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इंपोर्ट भी इंक्रीज हो जाता है, हम फॉरेन कंट्रीज से परचेस करना स्टार्ट कर देते हैं या डॉलर्स को खरीदना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है करेंसी अप्रिशिएशन और करेंसी डेप्रिशिएशन। करेंसी डेप्रिशिएशन में हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया था, क्योंकि हमारी जो करेंसी थी वो डेप्रिशिएट हो रही थी, हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, तो उसमें हमने सेल किया, यहाँ हमें कम पैसों में मिल रहा है डॉलर, तो यहाँ हम खरीद रहे हैं, वहाँ हमें ज़्यादा पैसों में मिल रहा था तो हम बेच रहे थे, यहाँ कम पैसों में मिल रहा था तो हम परचेस कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो करेंसी डेप्रिशिएशन में एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है और करेंसी एप्रिशिएशन में इम्पोर्ट इंक्रीज होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज रेट। किस किस टाइप से ये फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है ये डिटरमाइन किया जाता है कि कितने डॉलर में कितने रुपीज़ होंगे, किस डॉलर के अकॉर्डिंग किस करेंसी की वैल्यू कितनी होगी, वो कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये 3 टाइप्स होते हैं हमारे कि कैसे कैसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड, फिक्स है, नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसे हम पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। सेकेंड,
फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, या इसे और क्या बोलते हैं, फ्लैक्सिबल मतलब जो चेंज होता रहता है, इसे और क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, तैरता रहता है, ठीक है। देन थर्ड वन इज मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो ये थ्री सिस्टम्स हैं। तो वी स्टडी वन बाय वन, लेट्स टेक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो हमने फर्स्ट ले लिया है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जैसे कि नाम में ही है, इसमें फिक्स रहता है। तो ये कौन फिक्स करता है, दिस इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट फिक्स करती है कि कितने रुपीस में कितने डॉलर होंगे, या कितने डॉलर में कितने रुपीस की वैल्यू होगी, या कितने डॉलर में कितने यूरो होंगे, कितने पाउंड होंगे, वो सारा कौन डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसमें एक स्टैंडर्ड रखा जाता है, स्टैंडर्ड मतलब कोई एक 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 जैसे गोल्ड है या सिल्वर, इसके अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है और सारी करेंसीज को उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्सचेंज किया जाता है। ये सिस्टम था हमारा 1870 से लेकर 1914 तक, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था, ठीक है। इसमें कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या करते हैं, किसी भी करेंसी को हम गोल्ड या सिल्वर के अकॉर्डिंग एक्सचेंज कर लेंगे, और फिर जैसे ही हमें दूसरी करेंसी को एक्सचेंज करना है, उसे उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्सचेंज करते हैं। तो अभी थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा डाउट लग रहा है, तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि $1 में 5 ग्राम ऑफ गोल्ड है, डॉलर की वैल्यू गोल्ड के अकॉर्डिंग हमने कन्वर्ट कर दी, ठीक है। तो डॉलर में $1 अगर हम स्पेंड करते हैं तो हमें कितना गोल्ड मिलेगा, 5 ग्राम। हमने ये स्टैंडर्ड लिया था अभी, गोल्ड या सिल्वर, कि किसी एक स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ डॉलर को हमने गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया कि $1 में 5 ग्राम ऑफ गोल्ड मिलेगा, और रुपीज़ में अगर हम रुपीज़ के अकॉर्डिंग गोल्ड में बनाएं तो 1 रुपीज़ में 2 ग्राम ऑफ गोल्ड, वैसे इतना आएगा नहीं, बट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमने केवल एक एग्जाम्पल लिया है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं कि अगर हम डॉलर में गोल्ड की वैल्यू निकालें तो $1 में 5 ग्राम गोल्ड आएगा, और अगर हम रुपीज़ के अकॉर्डिंग गोल्ड को देखें तो 1 रुपीज़ में 2 ग्राम गोल्ड आएगा। तो डॉलर के अकॉर्डिंग रुपीज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, कि अगर $1 है तो हमें 5 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा, 5 ग्राम सोना मिलेगा, और अगर 1 रुपी है, 1 रुपीज़ है, तो उसमें क्या मिलेगा, 2 ग्राम सोना मिलेगा, 2 ग्राम गोल्ड मिलेगा। अब गोल्ड को अगर रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, $1 इज इक्वल टू 2.5 रुपीस, 2 से इसे डिवाइड कर दिया, 5 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 2.5 रुपीस, ठीक है। अभी भी अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं फिर से बता देती हूँ कि हमने गोल्ड एक स्टैंडर्ड लिया कि सभी करेंसीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट करना है, हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया कि गोल्ड में कन्वर्ट करना है, या सिल्वर में कन्वर्ट करना है, या डायमंड में कन्वर्ट करना है। तो एक स्टैंडर्ड लिया जाता है, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है कि सभी करेंसीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सारी करेंसी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, यहाँ क्या था, $1 में 5 ग्राम ऑफ गोल्ड मिल रहा था, तो हम 1 ग्राम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 1/5 इधर चला गया, 1/5 डॉलर। तो अगर हमें 1 ग्राम गोल्ड चाहिए तो हमें डॉलर कितना देना होगा, 1/5 डॉलर देने पड़ेंगे, 1/5 डॉलर, ठीक है। या 1/5 को हम क्या करेंगे, 1/5, 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो $0.2। तो अगर हम $0.2 देते हैं तो हमें 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा। यहाँ क्या होता है, सारी जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी गोल्ड में होंगी, ठीक है। अब हम रुपीस के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो रुपीस में क्या था, 1 रुपी में 2 ग्राम ऑफ गोल्ड आ रहा था, तो हम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड निकाल लेते हैं, 2 इधर चला गया, 1/2 रुपीस, यानी रुपीस कितने चाहिए हमें 1 ग्राम गोल्ड के लिए, 1/2 = 0.5 रुपीस। अगर हम रुपीस देने होंगे तो कितने देने होंगे, 50 पैसे। तो 50 पैसे अगर हम देंगे तो हमें 1 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा, या हम $0.2 देंगे, मतलब $0.20 देंगे तो हमें 1 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा। हमने क्या किया,
यहाँ करेंसीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता था, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता था करेंसीज को गोल्ड में या सिल्वर में या किसी प्रीसियस मेटल में कन्वर्ट किया जाता था, और बाकी की करेंसी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती थी। जैसे हमने यहाँ पे अभी क्या था कि अगर हमें गोल्ड लेना है तो डॉलर कितने देने पड़ेंगे, 0.2 डॉलर देने पड़ेंगे, और अगर मैं रुपीज़ के अकॉर्डिंग लेना है तो रुपीज़ को भी हमने डॉलर में गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो रुपीज़ कितने देने पड़ेंगे हमें, 1/2, 0.5 रुपीज़। अब हम डॉलर और रुपीज़ को कंपेयर कर देते हैं तो 1.5 डॉलर इज इक्वल टू 1/2 रुपीज़, क्योंकि दोनों की कीमत क्या है, 1 ग्राम गोल्ड, तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया। 1/5 डॉलर क्या था, 0.2 डॉलर यहाँ पे था, और 1/2 रुपीज़ क्या है, 0.5 रुपीज़। तो इससे अगर हम एक डॉलर की वैल्यू रुपीज़ में निकालें तो कितनी आएगी, 1 डॉलर इज इक्वल टू 0.5, ये इधर आ गया 0.2 रुपीज़। हमने इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया, 2.5 रुपीज़। मतलब अगर हमें एक डॉलर चाहिए तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2.5 रुपीज़। तो हमने क्या किया, हमने बस करेंसीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, सभी करेंसीज़ को, और वो ऑटोमेटिकली डॉलर के साथ एक्सचेंज हो गई। अब हमें पता है कि अगर हमें एक डॉलर चाहिए तो हमें कितने रुपए देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही किया था, करेंसी को गोल्ड में एक स्टैंडर्ड रखा, गोल्ड में कन्वर्ट किया, और ऑटोमेटिकली वो करेंसी एक दूसरे के साथ कन्वर्ट होती चली गई। अगर हमें डॉलर से रुपीज़ की वैल्यू निकालनी है तो हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू किस में है, गोल्ड में। तो सभी करेंसीज़ की वैल्यू गोल्ड में है तो हम उन्हें एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए या एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत थी, जो गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड लिया गोल्ड सिल्वर या प्रीसियस मेटल। इसमें करेंसीज़ को कन्वर्ट किया जाता था, फिर वो करेंसी ऑटोमेटिकली एक दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज हो जाती थी। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ध्यान से बस थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिए क्या बोला जा रहा है, क्या आपको बताया जा रहा है, तो इजी लगेगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। इसमें क्या था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट फिक्स करती है, एक स्टैंडर्ड बनाती है गवर्नमेंट कि हमें अपनी करेंसीज़ को गोल्ड में कितना रखना है, कितने रुपीज़ में कितना गोल्ड आएगा, कितने डॉलर में कितना गोल्ड आएगा, वो गवर्नमेंट ने अपना अपना फिक्स कर लिया। अमेरिका की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1 डॉलर में 5 ग्राम गोल्ड आएगा, इंडिया की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1 रुपीज़ में 2 ग्राम गोल्ड आएगा। तो हमने क्या किया, डॉलर को रुपीज़ के साथ कंपेयर कर दिया बस। अब वो कंपैरिजन कैसे किया था, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कैसे उसे कंपेयर कराए, ठीक है। तो सभी गवर्नमेंट अपनी अपनी करेंसीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट करती हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली एक दूसरी करेंसीज़ के साथ कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें और क्या होता है, एक तो हो गया स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, ये गवर्नमेंट फिक्स करती है, तो एक तो तरीका ये होता है कि गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड बना दिया। दूसरा मेथड ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ कंपेयर कर देती है, मतलब किसी एक करेंसी के साथ सारी कंट्री की करेंसीज एक्सचेंज की जाती हैं। जैसे कहाँ पे किसके साथ अकॉर्डिंग एक्सचेंज होती है, डॉलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या करती है, जैसे यहाँ पे क्या किया था, करेंसीज को गोल्ड में कन्वर्ट किया था, यहाँ क्या होता है, करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ पे हो गया कि 1 डॉलर इज इक्वल टू 60 रुपीज़ है, ठीक है, या फिर हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 पाउंड में
$2 है, ये टू। £1 इज इक्वल टू $2, एक पाउंड में $2 आते हैं, ठीक है। तो हम रुपीज से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पाउंड में अगर $2 आते हैं तो हम रुपीज कितने आएंगे, रुपीज एक रुपीज में 60 थे तो एक डॉलर में 60 रुपीज थे, तो $2 में 2 × 60 रुपीज कितने हो जाएंगे, 120 रुपीज। तो ये एक एग्जांपल हमने ले लिया कि एक पाउंड में अगर $2 आते हैं तो एक पाउंड में रुपीज कितने आएंगे, 120 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डॉलर को रुपीज में था और पाउंड डॉलर में, तो पाउंड से हमने रुपीज की वैल्यू निकाल ली कि एक पाउंड में कितने रुपीज आएंगे, 120 रुपीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक करेंसी सारी कंट्री की करेंसीज को किसी एक ही करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है और इस सिस्टम का हम बोलते हैं पैगिंग सिस्टम। पैगिंग सिस्टम जब एक करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है या एक्सचेंज किया जाता है, मतलब सारी जितनी भी करेंसीज हैं उन्हें किसी एक करेंसी के साथ एक्सचेंज करना या किसी एक करेंसी के साथ कंपेयर करना, एक स्टैंडर्ड। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या रखा है, किसी एक कंट्री की करेंसी। जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड हमने क्या रख लिया, डॉलर, तो डॉलर में सबको कन्वर्ट करना है या यूरो में सबको कन्वर्ट करना है, ठीक है। वैसे डॉलर है, डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है सभी कंट्री की करेंसीज को क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो अगर अदर कंट्री की करेंसीज को किसी एक करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो सिस्टम को बोला जाता है पैगिंग सिस्टम। इसीलिए आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम पैगिंग सिस्टम भी बोलते हैं, क्लियर। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें हमने क्या पढ़ा, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये कौन फिक्स करता है, गवर्नमेंट कैसे फिक्स करेगी, गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड बनाती है या तो गोल्ड या सिल्वर या अदर प्रीसियस मेटल, उसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट अपनी अपनी करेंसीज को इसमें कन्वर्ट कर लेती है जिससे वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर सकें। नेक्स्ट था हमारा अदर कंट्रीज करेंसी, इसमें सारी कंट्री की करेंसीज को किसी एक करेंसी के साथ कंपेयर किया जाता है या एक करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, इसे हम बोलते हैं पैगिंग। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को पैगिंग सिस्टम भी बोला जाता है। नेक्स्ट सेकेंड मेथड है फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लैक्सिबल मतलब चेंज होना। फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या इसे हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है ऐसा सिस्टम जहाँ पर ये जो करेंसी की वैल्यूज़ हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई पर। तो इस सिस्टम में फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। डिमांड ज़्यादा तो वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी, डिमांड कम है तो वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। अगर सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में तो वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, सप्लाई कम है तो वैल्यू एप्रिशिएट होगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की सप्लाई ज़्यादा है तो उसके प्राइस कम है, और डायमंड की सप्लाई कम है तो उसके प्राइस ज़्यादा है। तो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है। तो इससे डिटरमाइन किया जाता है जो फोर्सेस होंगे डिमांड और सप्लाई के, जो डिमांड और सप्लाई को इफेक्टेड करते हैं उन फोर्सेस की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की जाती है। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं करती, कोई रोल प्ले नहीं करेगी। सपोज़ $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ है और कल को $1 इज इक्वल टू 58 रुपीज़ हो जाए, या फिर $1 इज इक्वल टू 62 रुपीज़ हो जाए, तो भी गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं करेगी, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पर, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है। तो फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा, इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज की जितनी भी डिमांड एंड सप्लाई होगी उसी के अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट
फिक्स किया जाएगा या डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड एंड लास्ट, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब जो अप डाउन हो रहा था, मैनेज करना उसको, तो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये एक्चुअली क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, कैसे है, मतलब इसमें भी जो फिक्स जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पर ही, इसमें भी वो डिटरमाइन किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें क्या चेंज है, इसमें अगर रुपीज़ की वैल्यू या डॉलर की वैल्यू, हमारे रुपीज़ की वैल्यू अप डाउन हो रही है अकॉर्डिंग टू डॉलर, डॉलर के अकॉर्डिंग अगर रुपीज़ की वैल्यू अप डाउन, ज़्यादा अप डाउन हो जाती है, तो इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। और गवर्नमेंट किसके थ्रू इंटरफेयर करेगी, RBI के थ्रू। हमारी गवर्नमेंट ने पावर्स किसको दी हुई है, RBI। नोट कौन प्रिंट करता है, RBI। तो इसमें क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है। बट अगर वैल्यूज ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं या फ्लोटिंग ज़्यादा हो जाती है, वैल्यूज ज़्यादा अप डाउन हो रही हैं हमारी करेंसी की, एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या करती है, RBI इंटरफेयर करती है। सपोज यहाँ पे $1 इज इक्वल टू था 60 रुपीज, ठीक है। अब $1 इज इक्वल टू हो गया 65 रुपीज, तो ये क्या हुआ, करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। अब हमें 60 की जगह 65 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो करेंसी ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रही है, चेंजेस ज़्यादा आ गए, तो RBI इसमें इंटरफेयर करती है। RBI कोशिश करेगी कि इसको 65 से वापस 60 तक लेके आए। वो कैसे लेके आती है, तो आपको याद होगा हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़े थे, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि RBI क्या करती है, RBI रिजर्व करके रखती है सारी फॉरेन करेंसीज को, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। वो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एक इसकी इसका एक फंक्शन पढ़ा था, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। तो फॉरेन रिजर्व या जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है वो कहाँ होती है, RBI के पास। तो अगर रुपीज़ की वैल्यू ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है तो RBI इसमें इंटरफेयर करेगी। तो इस कंडीशन में RBI क्या करेगी, अगर हमारी वैल्यू $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ था, अब $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज़ है, मतलब करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो RBI क्या करेगी, डॉलर्स को सेल करना शुरू कर देगी। तो RBI क्या करेगी, डॉलर्स को सेल कर देगी, सेल करना शुरू कर देगी, सेल, ठीक है। तो डॉलर्स को सेल करेगी क्योंकि हमें फायदा होगा, अगर हम 60 रुपीज़ में $1 ले रहे थे, सॉरी, तो डॉलर्स को सेल करेगी। सेल क्यों करेगी, क्योंकि पहले हमें 60 रुपये मिल रहे थे $1 के बदले में, अब हमें कितने मिल रहे हैं, 65 रुपीज़ मिल रहे हैं $1 में। तो RBI क्या करेगी, डॉलर्स को सेल कर देगी। डॉलर्स को सेल करेगी तो क्या होगा, मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। हमने देखे तो मार्केट में क्या हुआ, डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। अब जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, डाउन हो जाती है, ठीक है। तो हमारी करेंसी कहाँ आ जाएगी, वापस इधर आ जाएगी, क्लियर। और अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो क्या करेगी, डॉलर्स को परचेज करना स्टार्ट कर देगी, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करती है RBI। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हमने इसमें पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रेट और टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर डालिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन बाय।